नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। इस वक्त सीसी सुनील अरोड़ा प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। जो राजनीतिक दलों ने अपना मुद्दे उठाए, मोटे मोटे मुद्दे इस प्रकार से हैं कि चुनाव में पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की और विशेष रूप से कमजोर वर्गों द्वारा मतदान सुनिश्चित करने के लिए ऐसे इलाकों में तैनाती की जाए। हम नंबर ऑफ कंपनीज का तो नहीं बता सकते, लेकिन इस बार हरियाणा को द कमीशन हैज प्रोवाइडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज फॉर विधानसभा इलेक्शंस। जो भी स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी तीनों ने इस पे इनफैक्ट कमीशन को धन्यवाद दिया। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, जो उनकी रिक्वायरमेंट का असेसमेंट लगा उसके मुताबिक वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। हाँ, इस बात पे जरूर जोर दिया गया और देते रहते हैं, जो वल्नरेबल एरियाज हैं उस पर विशेष तौर पर तैनाती का ध्यान रखा जाए। कुछ दलों ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने की मांग की, ये भी मांग की कि 48 आवर्स पहले ड्राई डे वगैरह का नॉट ओनली इन हरियाणा बट लाइक द नेबरिंग स्टेट्स में भी हो जाए, खासकर पंजाब में तो अच्छा है। हरियाणा में तो ऑर्डर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। पंजाब के अधिकारियों ने हमारे सीईओ को आश्वस्त किया है कि वो भी हरियाणा की तरह एक दिन तो कम से कम ड्राई डे करेंगे, हो सकता है दो दिन ही करें, बट दैट स्टिल वी विल टॉक टू देम। राजनीतिक दलों ने अनुरोध किया कि आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कोई आप एग्जांपल्स इंस्टांसेस आपके नज़र में ऐसे आए हों तो बताएं, या हमारे मिस्टर सक्सेना को बताएं या सीईओ को बताएं, तो ये उनको आश्वासन दिया गया। उन्होंने मीटिंग में कोई स्पेसिफिक इंस्टांस नहीं बताया। ये भी कहा गया कि निर्माण कार्यों के धन पर धन जो है वो जारी रख रहे हैं, निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, तो उनको कमीशन के जो स्टैंडिंग गाइडलाइंस हैं उनके बारे में अवगत कराया गया कि जो वर्क्स इन मोशन हो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर द स्टैंडिंग गाइडलाइंस ऑफ परमिशन ऑफ द कमीशन, लेकिन कोई नए वर्क शुरू करने की बात हो तो उसका कोई वो इंस्टांस बताए। उन्होंने एकाध जगह कुछ बताया, उसकी चेकिंग करवा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए उन्होंने सहायता उनको दी जाए वोटिंग करने के लिए, तो वी आर ग्लैड टू रिपोर्ट टू यू दैट आई थिंक प्रॉबली इन द रिसेंट इलेक्शंस हरियाणा हैज प्रॉबली डन द बेस्ट वर्क इन टर्म्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी वोटर्स। और साथ ही सभी जिलाधिकारियों ने इस बात के लिए कमीशन को आश्वस्त किया है कि वो बिल्कुल मैक्सिमम इंतजाम करेंगे उनको फैसिलिटेट करने का वोटिंग के लिए। सीईओ ने यहाँ तक बताया कि ओवरऑल सारी स्टेट में 10,000 और 11,000 के बीच वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोटर्स, वेयर इट इज लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, ऑडियो इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट इत्यादि इत्यादि, और उनके लिए इन्होंने कुछ ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया ताकि दे कैन बी काइंड ऑफ गाइडेड एज टू हाउ टू असिस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसके लिए मैं सारा कमीशन एक्चुअली वुड लाइक टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड काइंड ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय द सीईओ एंड हिज टीम एंड द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस इन कंजंक्शन। कुछ राजनीतिक दलों ने मतदान केंद्र पर पर्याप्त बिजली और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की और ये भी कहा कि वीवीपैट को खिड़की से दूर रखा जाए ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे और कोई अनावश्यक प्रभाव उस पर ना डाल सके। वैसे हरियाणा का जो हमने जो कमीशन का काफी एक एम्फेसिस होता है
एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज पे, तो हरियाणा पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्वाइट साउंड, तो 100% कवरेज है एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का। और फिर भी ये जो बातें राजनीतिक दलों ने बताई हैं उसका संज्ञान लेके सभी अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया। सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की। जो कलेक्टर्स की मीटिंग थी उसमें बड़ा क्लियर कलेक्टर्स एसपी की मीटिंग में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन हर चीज को बर्दाश्त, बोनाफाइड कोई एरर हो वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन कहीं भी ऐसा लगा कि देर इज लैक ऑफ न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी नहीं है, बिकॉज द ऑफिसर्स आर सपोज टू बी लाइक अम्पायर्स नॉट द टीम प्लेयर्स, देन कमीशन विल नॉट हेजिटेट टू टेक वेरी हार्श एक्शन एज हैज बीन टेकन ऑन इन मेनी केसेस इन द पास्ट ड्यूरिंग द लोकसभा ऑल्सो एंड वेरियस स्टेट असेंबली इलेक्शंस। आपराधिक मामलों में पर ज्ञापन विज्ञापन देने के लिए न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर कई दलों ने इस संबंध में उचित व्यवस्था किए जाने का अनुरोध किया ताकि इसका खर्च का भार प्रत्याशियों पर ना पड़े। अब इसमें दो तरह के व्यूज हैं। एक व्यू तो ये है कि इस खर्च को राजनीतिक दल पर डाला जाए, दूसरा व्यू ये है कि जो पार्टियां आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उनके राजनीतिक दल भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। कमीशन ने एज पर सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस और ऑब्जर्वेशंस हैं स्ट्रिक्टली उसके मुताबिक काम किया है और कमीशन उसी के मुताबिक काम करता रहेगा। चुनाव खर्च की सीमा कुछ लोग कहते हैं कि कम करें, और जैसे महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने कहा कि इसको बढ़ाएं, बट देयर इज नो चेंज इन द एग्जिस्टिंग लिमिट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फेक न्यूज और पेड न्यूज का मुद्दा उठाया गया, उनको बताया गया राजनीतिक दलों को कि ऑलरेडी कमीशन हैज बीन एंगेजिंग विद द वेरियस एंटिटीज जो सोशल मीडिया को देखती हैं, और लोकसभा से पहले उन लोगों ने खुद ही एक वॉलंटरली आफ्टर सम मंथ्स ऑफ एंगेजमेंट विद देम लिख के दिया था कि वो एक वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्ट करेंगे। और अभी उन्होंने ये भी लिख के दे दिया है कि वो महाराष्ट्र और हरियाणा या आने वाले जो असेंबली के चुनाव हैं उसमें भी उसी वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक एडहियर करेंगे। वैसे अलग मुद्दा है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया को लेके कुछ डायरेक्शंस दिए हैं जिसपे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम वगैरह हैं वो लोग अलग से इसको दिखवा रहे हैं, INB को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जिस स्टेज पे कमीशन का व्यू मांगा जाएगा कमीशन भी अपना उस पर व्यू देगा। ये सारे मीटिंग्स के बाद जैसा मैंने बताया राजनीतिक दलों की मीटिंग के बाद फिर अधिकारियों की जो मीटिंग्स हुई तो इनको जितनी बातें राजनीतिक दलों ने कही थी उनका संज्ञान तो दिया गया, और कमीशन ने बड़ा क्लियर कहा कि आप एक तो खासकर जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव और वल्नरेबल एरियाज हैं उनके ऊपर एक मकबूल व्यवस्था करें, ठीक इंतजाम करें। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव में हमने देखा कि जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिविटी की इनकम टैक्स की परसेप्शन थी और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की परसेप्शन थी उसमें देयर वर सम गैप्स, तो वी हैव डायरेक्टेड देम दैट दे शुड सिट टुगेदर सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन व्हाट द इनकम टैक्स थिंक्स इज एक्सपेंडिचर सेंसिटिव और व्हाट द स्टेट ऑफिसर्स थिंक इज एक्सपेंडिचर सेंसिटिव। जाहिर है एक्सपेंडिचर सेंसिटिविटी के मामले में जो इनकम टैक्स का व्यू है दैट शुड नॉर्मली बी प्रेवलेंट बिकॉज दे आर डीलिंग विद इट ऑन डे टू डे बेसिस। सिमिलरली जो इसके अलावा जो वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, क्रिटिकलिटी एंड वल्नरेबिलिटी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, लोकल कास्ट इक्वेशंस, हिस्ट्री ऑफ पास्ट कॉन्फ्लिक्ट इत्यादि इत्यादि, और उसके लिए सभी को राइट अप टू CS। आज जो मीटिंग हुई तो CS और DG ने स्वयं ही कहा कि नो, हम वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द
this vulnerability factor, and we shall make sure that those areas are covered more adequately with greater deployment of force, flag marches, etc. And also, all such measures which are required to kind of plug those gaps are being taken, shall be taken. राज्य में पहली बार विधानसभा में लोकसभा में तो ऑलरेडी हो चुका ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाएगा उस विषय में ऑलरेडी माननीय उच्चतम न्यायालय निर्देश दे चुका है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 वीवीपैट्स काउंट किए जाएंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे वो हमने लोकसभा में भी फॉलो किए और विधानसभा में भी फॉलो करेंगे आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारियों को जो हमारी 1950 हेल्पलाइन है और nsvp.in के माध्यम से मतदाताओं की मदद के भी निर्देश दिए हैं 1950 की थोड़ा सा इतिहास भी है कि 1950 जो 1950 में कमीशन की स्टार्ट हुई थी इसलिए ये हेल्पलाइन जो है वो 1950 कहलाई जाती है बीच में थोड़ी सी ये कई साल मतलब It was, I won't say dysfunctional, but it was less used. Now it is being used for the last 3-4 years. The commission has been repeatedly emphasizing that 1950 should become like 100 of the police department and be a substantive helpline. Jo Ayog नीति है तबादलों के लिए उसके लिए कमीशन ने पहले से ही निर्देश दे रखे हैं हर चुनाव से पहले दिए जाते हैं मुख्य सचिव जी का और स्टेट के होम सेक्रेटरी डीजीपी का सर्टिफिकेट लिया जाता है और वो ऑलरेडी उन्होंने किया है लेकिन कल कुछ राजनीतिक दलों ने जैसे एक बात की कि भी कुछ जो डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं पीआर ऑफिसर्स हैं वो सुबह भी आ गया था उसमें इन वन ऑफ दी न्यूज़पेपर्स शायद बात करके आए होंगे कि उनके चेंजेस किए जाएं तो कमीशन ने कल ही ये बात तय की कि जो पीआर ऑफिसर्स चूंकि वो एमसीएमसी का पार्ट होते हैं तो इसलिए वन वे और दी अदर उनका इलेक्शन में रोल होता है तो कल आदेश दे दिए गए 6 लोगों का 10 लोगों का परिवर्तन करने के और दैट इज पीआरओस एज वेल एज एपीआरओस और शिक्षा के भी उन्होंने केवल एक अधिकारी की कॉन्क्रीट शिकायत की उसकी रिपोर्ट आ जाएगी एंड मे बी बाय टुडे इवनिंग इटसेल्फ नेसेसरी एक्शन बी टेकन अदरवाइज उनको कहा है कि आप केस टू केस बताइए तो केस टू केस जो है सीईओ अपना उचित निर्णय लेंगे कमीशन आदर्श आचार संहिता और व्यय की निगरानी का कड़ाई से पालन करने के सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा ताकि राजनीतिक दलों और मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए व्यवस्था की जा सके ऑलरेडी कमीशन ने पिछले 3-4 वर्षों में नंबर ऑफ आईटी एप्लीकेशंस के प्रभावी ढंग से उपयोग करने का प्रयास किया और सफल भी हुए हैं चलिए आ रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद